आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। नहीं तो दोनों की तो मित्रता है ही। और महोदय, मैं यहीं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बारे में मैं आऊंगा, जो नेता विरोधी दल ने जो बातें रखी उन सब पे चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बाढ़ और सूखा की स्थिति, जो माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए, उन सब पर एक एक करके अगर हम चर्चा करें, और बाद में मैं इन सभी मुद्दों पर भी जवाब दूंगा जो नेता विरोधी दल ने यहां पर रखे थे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन अगर हम देखेंगे तो अमूमन 15 जून से लेकर के 20 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाता था और हमारे अन्नदाता किसान उसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष प्रारंभिक मानसून की बारिश को अगर हम छोड़ दें तो शेष मानसून की जो स्थिति है वह प्रदेश के अंदर बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। महोदय, खासतौर पर अगर आज के दिन पर भी हम देखेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश ऐसा है जिस जहां पे काफी कम बारिश हुई है और सामान्य से भी इसकी स्थिति काफी कम है, कमजोर है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम देखेंगे, पश्चिम के कुछ जनपदों में एक्सेस वाटर की बात सामने आई है लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये जो स्थितियां हैं यह हम लोग किसी भी स्थिति में इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही शासन स्तर पर इस पर बैठक की, अपनी एक रणनीति बनाई, प्रारंभिक समय में जो मानसून उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के अंदर एक साइक्लोन के कारण उस क्षेत्र में देखने को मिला था, हिमालयन नदियों में उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, बाढ़ के कारण वहां पे काफी फसलों को नुकसान पहुंचा था, उसके आंकलन के आदेश भी दिए गए हैं और उस पर आगे की कार्रवाई शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है वह देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90 फीसदी भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है, नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी
लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा, उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है, इसी का परिणाम है, सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है, देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की